नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिश फॉर मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऋतिक रोशन अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई ब्लॉकबस्टर मूवी लेकर आ रहे हैं, जिनमें से शामिल है एक फाइटर मूवी जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्ट है। और इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें ऋतिक रोशन के बर्थडे के दिन देखने को मिली थी। और इस मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर हमें दीपिका पादुकोण देखने को मिलेगी। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन की जोड़ी पहली बार हमें बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा विक्रम वेदा मूवी लेकर आ रहे हैं ऋतिक रोशन। इसके अलावा जो उनकी तीसरी फिल्म आने वाली है वो है क्रिश फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त यानी कि क्रिश 4 मूवी, जो एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है क्रिश फ्रेंचाइजी। और इस मूवी की स्टार्टिंग हुई थी 8 अगस्त 2003 को। ये मूवी कोई मिल गया के नाम से आई थी और एक क्रिश फ्रेंचाइजी की फर्स्ट किस्त थी। और पहली बार हमें इंडिया में सुपर हीरो वाली फिल्म यहीं से देखने को मिली थी। कोई मिल गया मूवी को डायरेक्ट किया था राकेश रोशन ने। वहीं इस मूवी के स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें ऋतिक रोशन और साथ में इनके साथ दो लीड एक्ट्रेस देखने को मिली थी, प्रीति जिंटा और रेखा। इस मूवी को 20 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी की सक्सेस के बाद मेकर्स राकेश रोशन ने इनका दूसरा सीक्वल लॉन्च किया 23 जून 2006 को। और इस मूवी में भी ऋतिक रोशन देखने को मिले थे और उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रियंका चोपड़ा और रेखा देखने को मिले थे। वहीं बजट की बात की जाए तो 45 करोड़ के बजट पर बनाया था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। इसी की सक्सेस के बाद राकेश रोशन इनका तीसरा लॉन्च किया सीक्वल क्रिश 3 मूवी 1 नवंबर 2013 को। और इस मूवी को 80 करोड़ के बजट पर बनाया था और बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर रही थी। अब बारी है क्रिश फ्रेंचाइज की चौथी किस्त की और इसका नेम रहेगा क्रिश 4 मूवी। और इस मूवी को डायरेक्ट करे राकेश रोशन, वही प्रोड्यूस भी राकेश रोशन ही करेंगे। और ये मूवी एक्शन VFX से भरपूर रहने वाली है। वही स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें ऋतिक रोशन के साथ हमें पहली बार कृति सनोन देखने को मिलेगी एक सुपर गर्ल का किरदार करते हुए। और इस मूवी को 120 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अंदाजा लगाया गया। तो दोस्तों ये सारी फिल्मों में से आप ऋतिक रोशन की कौन सी मूवी ज्यादा देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर।